नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वेट लॉस के विषय में और वेट कम करने के लिए कैलोरी को कैसे लें, कितनी लें, इस तरह की हम बात करेंगे। तो बात शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं कैलोरी के विषय में कि मोटापा कम करने के लिए हमें कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जान लें तो मोटापा कम करने के लिए एक्सरसाइज से भी ज़्यादा ज़रूरी है कैलोरी पर ध्यान देना। तो जो भोजन आप खा रहे हैं उससे आप कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपने भोजन से दो चीज़ें कम कर दें तो मोटापा बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाता है, और वो दोनों चीज़ें हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट। जब कार्बोहाइड्रेट और फैट हम लेते हैं तो मोटापा तेज़ी से बढ़ता है, और क्योंकि इसमें कैलोरी अधिक होती है और जिस कारण से मोटापा बढ़ता है। तो जैसे ही हम इन दोनों को अपने भोजन से कम करते हैं वैसे ही वेट कम होना शुरू हो जाता है। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट और फैट ऐसी चीज़ें हैं और इन दोनों के द्वारा बनाई गई चीज़ें बहुत टेस्टी होती हैं, और टेस्ट के चक्कर में वो ज़्यादा खाई भी जाती हैं, और इसी कारण से मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती हैं। जब हम कार्ब खाते हैं तो वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, और जो ग्लूकोज के बाद वो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर उसको स्टोर करके अपने पास रख लेता है। और जब कभी आवश्यकता पड़ती है, या जैसे हम कभी उपवास रखते हैं, या किसी वजह से हम भोजन नहीं करते, या हम बीमार हो जाते हैं, तो उस वक्त लीवर उसको रिलीज़ कर देता है जिससे हमें ताकत मिली रहती है। और इसी तरह जो फैट है वो हमारी मांसपेशियों के नीचे इकट्ठा होने लगता है। अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो हमें वेट लॉस के लिए अपने भोजन से कार्ब और फैट की जगह सलाद और फ्रूट्स को बढ़ाना पड़ेगा, और ये हमारे शरीर में स्टोर भी नहीं होते और इनमें कैलोरी भी कम होती है। आज मैं आपसे कैलोरी के विषय में ही डिस्कस करूँगी, और आज मैं आपको कुछ ऐसे फूड की कैलोरी के बारे में बताऊँगी जो फूड आइटम आप रोज़ाना सुबह से शाम तक अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं। अब मैं आपको नाश्ते में जो आप रोज़ाना बदल बदल कर चीज़ें खाते हैं तो उनकी कैलोरी के विषय में बताऊँगी कि जो आप ले रहे हैं नाश्ते में वो उसमें कितनी कैलोरी है। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत नींबू पानी और शहद से करते हैं। तो एक नींबू लेंगे जिसका वेट 25 ग्राम होगा, और शहद 20 ग्राम लेंगे, और एक गिलास गुनगुना पानी लेकर इनको दोनों को मिक्स करके सुबह सुबह खाली पेट हमें पीना है, और इन दोनों में कुल मिला के हमें 80 कैलोरी मिलती है। नींबू से हमें 16 कैलोरी मिलती हैं और शहद से हमें 64 कैलोरी मिलती हैं। कुछ लोग नाश्ते में रोटी, बटर, बटर मिल्क, चाय, कॉफ़ी, पराठा, भरवा पराठा, अंडे, उबले अंडे, ऑमलेट, चिवड़ा, पोहा, इस टाइप की चीज़ें लेना पसंद करते हैं। तो मैं इन्हीं सब की कैलोरी के बारे में आपको आज बताऊंगी कि इनमें से अगर कोई भी आइटम आप लेते हैं तो वो कितनी कैलोरी आप उसमें से कंज्यूम करते हैं। तो नाश्ते में अगर आप एक रोटी 25 ग्राम की लेते हैं तो उससे आपको 100 कैलोरी मिलती हैं। अगर 10 ग्राम बटर लेते हैं तो करीब 70 कैलोरी आपको मिलती हैं। इसके साथ अगर आप एक कप चाय या एक कप कॉफ़ी लेते हैं तो 50 से 70 कैलोरी आपको मिलती हैं। इसके अलावा आप नाश्ते में 80 ग्राम आटे का एक पराठा लेते हैं तो आपको 240 कैलोरी मिलती हैं, और एक अंडे के ऑमलेट को अगर आप यूज़ करते हैं तो 175 कैलोरी आपको मिलती हैं, और अगर एक उबले अंडे को आप खाते हैं तो आपको केवल 75 कैलोरी मिलती हैं। एक कप या 150 ml दूध अगर आप नाश्ते में लेते हैं तो आपको 100 कैलोरी मिलती हैं, और अगर 30 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं तो 100 कैलोरी मिलती हैं, और दूध और कॉर्नफ्लेक्स दोनों को मिलाकर लेते हैं तो 200 कैलोरी आप कंज्यूम करते हैं। इसी तरह से
अगर एक कटोरी उपमा अगर आप लेते हैं तो आपको 175 कैलोरी मिलती है। इसी तरह से 85 ग्राम अगर आप चिवड़ा बनाकर खाते हैं, यानी एक कटोरी चिवड़ा अगर आप खाते हैं तो 175 कैलोरी मिलती हैं, और 50 ग्राम मूंग के स्प्राउट्स लेते हैं तो 100 कैलोरी मिलती हैं। अगर 200 ग्राम फल खाते हैं तो भी 100 कैलोरी मिलती हैं। इसी तरह लंच में हम सलाद से शुरुआत करते हैं। अगर आप 300 ग्राम सलाद लेते हैं, कोई सा भी सैलेड अगर आप लेते हैं, तो करीब 100 कैलोरी आप कंज्यूम करते हैं। 50 ग्राम दही या दही का मट्ठा लेते हैं तो 30 कैलोरी आप कंज्यूम करते हैं। एक कटोरी दाल से करीब 150 कैलोरी आपको मिलती है, और 100 ग्राम चावल से या एक कटोरी चावल से 100 कैलोरी आपको मिलती है। एक कटोरी सब्जी अगर आप बनाते हैं जिसका वज़न 85 ग्राम होता है, जिसमें फूल गोभी, मटर, गाजर कुछ भी हो सकता है, उससे आपको 100 से 125 कैलोरी मिलती हैं। और इसी तरह से अगर आप 200 ग्राम हरी सब्जी बनाते हैं तो उससे करीब आपको 80 कैलोरी मिलती हैं, यदि आप उसको नॉर्मल तरीके से बनाएं तब। और अगर बहुत ज़्यादा घी तेल से बनाएंगे तो कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है। मैंने आपको उन सब खाद्य पदार्थ की कैलोरी के विषय में बताया जो सुबह से शाम तक आप कंज्यूम करते हैं, सुबह से शाम तक आप खाते हैं। अब आप सुबह से शाम तक जो भी कुछ खाते हैं उसकी कैलोरी को आप खुद ही चेक कर सकते हैं और अपने वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वेट कम करने के लिए कैलोरी को कैसे सेट करें। हर एक व्यक्ति की मेहनत के अनुसार कैलोरी की मात्रा अलग अलग होती है। मान लिया आपको 1600 कैलोरी की ज़रूरत है और आप रूटीन में 1800 या 2000 कैलोरी ले रहे हैं और आपको ज़रूरत है 1600 कैलोरी की, तो जो हम एक्सेस कैलोरी ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है, ग्लूकोज और फैट के रूप में हमारे शरीर में जमा होने लग जाती है, और यहीं से मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर मोटापा कम करना है तो सबसे पहले हमें अपनी कैलोरी पर ध्यान देना होगा और कैलोरी को धीरे धीरे कट करना पड़ेगा। मोटापा हम तेज़ी से भी कम कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तेज़ी से मोटापा कम किया जाता है तो स्किन ढीली पड़ने लग जाती है, चेहरे का ग्लो ख़त्म हो जाता है, थकान रहने लगती है, कमजोरी होती है, चक्कर आने लगते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए हमें अपने भोजन में कैलोरी को धीरे धीरे कम करना चाहिए। जिस दिन से आपने अपने आहार में कैलोरी को कम करना शुरू किया उस दिन से ही आप अपने वेट को चेक करिए और देखिए आपका मोटापा कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है कि जब हम अपने कैलोरी को कम करना शुरू करते हैं तो पहले सप्ताह या 15 दिन तक बिल्कुल भी वेट कम नहीं होता। उस समय में आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो हम पहले से एक्सेस कैलोरी लेते आ रहे थे और वो कैलोरी हमारे बॉडी में स्टोर होती है, तो धीरे धीरे कैलोरी कम करते जाएं। इसका मतलब यह है कि जितने कैलोरी अभी आप ले रहे हैं वो अभी कैलोरी आपको और कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे शरीर में जो एक्सेस कैलोरी जमा है पहले वो खर्च होगी, जब वो खर्च हो जाएगी, पूरी ख़त्म हो जाएगी, तब हमारा वेट कम होना शुरू होगा। अब जो मैंने आपको कैलोरी चार्ट दिया है उसकी कैलोरी को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे कैलोरी कम करते जाएं, और जैसे आप धीरे धीरे कैलोरी कम करते जाएंगे ऐसे ही धीरे धीरे आपका वज़न कम होता जाएगा। बस आपको एक काम करना है कि रोज़ाना सुबह उठ के आपको अपना वज़न चेक करना है, और रोज़ाना वज़न थोड़ा कम होना चाहिए। और अगर वज़न कम नहीं होता तो आपको ये देखना चाहिए कि कल हमारी कहाँ गलती रह गई। तो इस कैलोरी चार्ट के द्वारा हम जितना भी चाहें अपना वज़न कम कर सकते हैं, और आपकी किसी भी तरह से ना स्किन ढीली पड़ेगी, ना आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी, ना कोई इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। धीरे धीरे आपका वज़न कम होता रहेगा और चेहरे का ग्लो भी आपका बना रहेगा। अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो हमें वेट लॉस के लिए तो मैं आज आपको बिल्कुल सेफ और नेचुरल तरीका बताऊंगी जो 100% इफ़ेक्टिव है। एक कॉटन की पट्टी है और ये एक गर्म पट्टी है, और मैं अभी आपको इसे दिखाऊंगी कि इस ट्रीटमेंट को हमें कैसे करना है।
ये अभी मैंने आपको दिखाया था, ये दोनों पट्टी दिखाई थी कि मैं अभी आपको बांध कर दिखाऊँगी, तो मैं आपको ये बांध कर दिखा रही हूँ। इसके लिए क्या करना है, पहले हमें एक बॉल में पानी लेना है, ये देखिए, और पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी ठंडा होना चाहिए क्योंकि गर्मियों का मौसम है, और अगर सर्दी है तो ताज़ा पानी की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त आप फ्रिज की बॉटल का पानी ले सकते हैं। इस पर पट्टी को पूरा गीला कर लेंगे, और इसको ऐसे कस के निचोड़ लेंगे। ये पट्टी करीब 8 इंच चौड़ी है और 3 मीटर लंबी है। इस पट्टी को हम नाभि को सेंटर मानते हुए बांधेंगे। हमें ऐसे बांधनी है कि ना बहुत ज़्यादा टाइट हो कि ब्लड सर्कुलेशन रुके, और ना ढीली हो जो ये खुल जाए। ये भीगी पट्टी मैंने लपेट दी है, पूरी अच्छी तरह से निचोड़ी है। अब इसके ऊपर हमें ये गर्म पट्टी लपेटनी है, ये भी उतनी ही लंबी है, ये 3 मीटर लंबी है और 8 इंच चौड़ी है। और इस पट्टी को हम ऐसे बांधेंगे कि नीचे वाली पट्टी बिल्कुल दिखाई ना दे। जब हम इस पट्टी को बांधें तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पेट थोड़ा खाली होना चाहिए। नाश्ता अगर कर लिया है तो 1 से 1.5 घंटे बाद बांधें, और अगर खाना खा लिया है तो 3 घंटे बाद बांधें। और इस पट्टी को हम सुबह और शाम दोनों समय बांध सकते हैं। पट्टी के एंड में एक ये नाड़ा लगा हुआ है 1.5-2 मीटर, इसको इस तरह से रैप करते हुए लपेट देंगे जिससे हमारी जो पट्टी बंधी हुई है या ना खुले। ये पट्टी बन चुकी है, और इस पट्टी को बांधने के बाद करीब 45 मिनट इसको बांध के रखना है। और जब हम ये पट्टी बांधें तो उस वक्त हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे हाथ गीले हो जाएं। और पट्टी बांध के आप बैठ के अखबार पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गीले काम आप नहीं कर सकते, ड्राई काम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।